जय श्री कृष्णा। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी गार्डनिंग में व्यस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो लेकर के आई हूँ, इसमें आज हम सक्युलेंट प्लांट कलांचो के बारे में बात करेंगे, क्योंकि सक्युलेंट प्लांट्स कलांचो जो है वो हर समय प्रोपगेट किया जा सकता है, यानी कि चाहे कोई सा भी सीज़न हो, सर्दी हो, गर्मी हो या बारिश हो, लेकिन बस आपको उसके ऊपर वाटरिंग का ध्यान रखना है। तो कुछ ऐसे ही टिप्स लेकर के आज मैं आई हूँ कि उसकी केयर आपको समर्स में किस तरीके से करनी है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन और प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक डायरेक्टली पहुँचती रहे। फ्रेंड्स, कलांचो जो कि एक सक्युलेंट प्लांट है, जिसे हम वाटरिंग और खाद देकर के और जो भी है किस तरीके के शेड में आप इसे प्लेस करके रख सकते हैं अभी समर्स में, तो वो सारी ओवरऑल बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि समर्स में हमें इस किस तरीके की सनलाइट प्रोवाइड करानी चाहिए। तो 2 घंटे मॉर्निंग की और 2 घंटे इवनिंग की आपको इसको सनलाइट प्रोवाइड करवानी है। इससे ज़्यादा अगर इसके ऊपर सनलाइट पड़ेगी तो ये प्लांट अपनी खूबसूरती खो देगा, यानी कि जो ग्रीन लीव्स हैं इसकी वो सारी ये खो देता है, बिल्कुल येलो होने लग जाती है और ख़राब होने लग जाती है, बिल्कुल हरी हरी और लश ग्रीन कलर की नहीं रहती है। तो फ्रेंड्स, इनकी ग्रीनरी मेंटेन रखने के लिए आपको इन्हें सेमी शेड एरिया में रखना होगा। तो सनलाइट रिक्वायरमेंट मैं बता चुकी हूँ, मेरे यहाँ इसके ऊपर अर्ली मॉर्निंग 2 घंटे की धूप और इवनिंग 2 घंटे की धूप इसके ऊपर आती है, और सेमी शेड एरिया में अभी मैंने इसको प्लेस करके रखा है। तो आप भी सेमी शेड एरिया में इसको प्लेस करके रखिएगा। फ्रेंड्स, अब इसकी जो फर्टिलाइज़र है उसकी बात करते हैं। तो फर्टिलाइज़र इसमें आपको नॉर्मल जो फर्टिलाइज़र आप बना रहे हैं वो देना है। अभी बहुत ज़्यादा गर्मी चल रही है तो आप फर्टिलाइज़र को स्किप भी कर सकते हैं, आप ज़्यादा समय तक फर्टिलाइज़र मत रखिए। फ्रेंड्स, फर्टिलाइज़र अभी गर्मियों में जो भी कंपोस्ट वगैरह हम देते हैं ना, वो प्लांट्स को नुकसान करता है, क्योंकि उनमें थोड़ी सी गर्माहट होती है। जो नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र होते हैं उनमें गर्माहट होती है, और गर्माहट होने की वजह से जैसे प्लांट्स को छत पर प्लांट रखें तो एक तो टेरेस की जो छत होती है, छत गर्म हो जाती है, वो हीट अलग मिलती है, ऊपर से जो ऊपर से गर्म हवाएँ चलती है वो अलग मिलती है। तो कम से कम 50 डिग्री सेल्सियस का जो तापमान होता है वो इनको झेलना पड़ता है, और छत का और हवा का दोनों का मिला के टेरेस पर 50 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। और फ्रेंड्स, इतना गर्मी होने के बाद अगर हम कंपोस्ट ऐड कर देते हैं और रूट्स में भी उनके गर्मी पैदा कर देते हैं तो प्लांट्स का मरना तय है। तो अभी नाइट्रोजन को बिल्कुल छोड़ दीजिए, हमें इन्हें नहीं देना है, हमें ज़्यादा लीव्स नहीं लेनी है अभी गर्मियों में, जो है बस उन्हीं को बचा के रखना है। और लीव्स को बचा के रखने के लिए इस तरीके से आप कटिंग का भी उपयोग कर सकते हैं, जैसे इनकी कटिंग करके और आसानी से आप जो फ्लावर्स स्पेंट हो गए बस उनको कट करते रहिए, तो नीचे से न्यू न्यू शूट्स धीरे धीरे ग्रो होती रहेगी। वैसे तो समर्स में ग्रो होना काफ़ी मुश्किल होता है, बट फिर भी एटमॉस्फेयर मिल जाए, अगर प्लांट्स को पास पास रख दें, ह्यूमिडिटी मिल जाए प्लांट को, तो आसानी से आप इसे ग्रो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, देखिए छोटी सी कटिंग एक्स्ट्रा निकल गई तो मैंने वही पॉट में लगा दी, ये इसी पॉट में ग्रो होके और प्लांट और भी बुशी हो जाएगा। फ्रेंड्स, पेस्ट अटैक की बात करें तो शेड एरिया में रखने के बाद जो भी सनलाइट वाले फ्लावरिंग प्लांट होते हैं या इंडोर प्लांट होते हैं उनके ऊपर वाइट फ्लाइज या ब्लैक एफिड्स का अटैक कभी कभी ऑफ सीजन में होने लगता है, क्योंकि कलांचो एक विंटर सीजन वाला फ्लावरिंग प्लांट है, तो इसके ऊपर ब्लैक एफिड्स का लगना लाजमी है और लगेंगे भी, और आपको नीम ऑयल का स्प्रे करते रहना है इसके ऊपर, प्लांट के ऊपर, तो ये जो प्लांट है वो आसानी से ग्रो होता रहेगा और कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। फ्रेंड्स, कलांचो बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है, इसके फर्टिलाइज़र, इसकी सनलाइट और इसकी मैं प्रोपगेशन की बात कर चुकी हूँ, इसके पेस्ट अटैक के बारे में बता चुकी हूँ। अगर आपको इससे रिलेटेड और कोई जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। प्रोपगेट कर रहे हैं, और अगर आपका जो कलांचो है वो प्रोपगेट नहीं हो रहा है तो होल कोकोपीट में आप इसे प्रोपगेट कीजिए, ये ज़रूर प्रोपगेट होगा। वैसे तो ये नॉर्मल गार्डन सॉइल में भी लग जाता है, ज़्यादा बड़ा साइज़ भी नहीं चाहिए पॉट का इसको, बहुत ही ईजी टू ग्रो प्लांट है, ज़्यादा बड़े साइज़ में भी इसको कोई फ़ायदा नहीं है। पहले छोटे में लगाइए, जब वो उसमें बड़ा हो जाए तो फिर बड़े में लगाइए। मेरे पास ये 3 कलर है, वाइट, रेड और
जो येलो कलर है, ऑरेंज कलर ये है, और भी कलर्स आते हैं। बहुत ही आसानी से ग्रो होने वाला ये प्लांट है, आप ज़रूर लाइए। समर्स में वाटरिंग करने का ध्यान दीजिए, मिट्टी सूखने पर पानी दीजिए। ओवर वाटरिंग भी नहीं होनी चाहिए, अंडर वाटरिंग भी नहीं होनी चाहिए। तो वाटरिंग पर भी आप थोड़ा ध्यान दीजिए कि प्लांट को ज़्यादा स्ट्रेस ना आ जाए। ऐसा ना हो कि आप मॉर्निंग में पानी दे रहे हैं, मॉर्निंग में पानी है आपने नहीं दिया, लेकिन इवनिंग तक ख़त्म हो गया है, उसके पॉट की मिट्टी सूख गई है, तो आप ज़रूर उसमें पानी डालिए। पानी डालना बहुत ज़रूरी है। तो गर्मियों में सुबह शाम वाटरिंग पर ध्यान दीजिए। तो ये तो थी ओवरऑल कलांचो सक्यूलेंट प्लांट के ऊपर समर्स में किस तरीके से केयर करनी है वीडियो। इसमें जो भी टिप्स मैंने आपको बताई है, आई होप आपको समझ में आई होगी। समझ में ना आए या कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन ऑल पर प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक डायरेक्टली पहुँचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा।